नमस्कार, आज मैं आपको ऑटोबूम सॉफ्टवेयर के वर्कशॉप सेल की ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। ऑटोबूम यहाँ से डबल क्लिक करके ऑन करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी एडमिन होता है, पासवर्ड ब्लैंक होता है। अगर आपने अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड सेट किया हुआ है तो आप वो डाल के इसको ऑन करेंगे। अभी डिफ़ॉल्ट ब्लैंक है। ये नेविगेटर विंडो में आपको पूरा फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है सेल का। तो सबसे पहले है जॉब कार्ड, एस्टिमेट, वर्क अलोकेशन, मेटल इशू, आउटसाइड वर्क, जॉब क्लोज एंड इनवॉइस लास्ट में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जॉब कार्ड कैसे बनाते हैं। जॉब कार्ड बनाने के लिए अपन क्लिक करेंगे जॉब ऑर्डर पे। डिफ़ॉल्ट जॉब नंबर ऑटोमेटिक आएगा जो भी नेक्स्ट सीरीज में है। अगर हम चाहते हैं कि जॉब नंबर या जॉब कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आए तो हमने कंट्रोल रूम में इसकी सेटिंग दे रखी है। आप यूटिलिटीज़ में जाके कंट्रोल रूम ओपन करेंगे, यहाँ पे ऑटो रूम यूटिलिटीज़ में कंट्रोल रूम में जाके आप ऑटो जॉब कार्ड नंबर पे क्लिक कर देंगे तो ये फीचर अप्लाई हो जाएगा और आपको जो चाहिए जैसे कि ऑटोमेटिक जॉब नंबर या नॉन एडिटेबल वो यहाँ से चालू हो जाएगा। अभी नॉन एडिटेबल है, आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो नेक्स्ट नंबर है वो आता है। तो सबसे पहले आता है ऑप्शन व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर जो गाड़ी में है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। चेस नंबर अगर अवेलेबल है आपके पास तो टाइप कीजिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। चेस नंबर या इंजन नंबर से दोनों में से आप कोई भी एक टाइप कर सकते हैं। उसके बाद है मॉडल। मॉडल कौन सा है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर कोई ऐसा मॉडल आपके पास सर्विस के लिए आया है जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से उसका मास्टर क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास शॉर्टकट की है उसके लिए Ctrl+N, ये आप प्रेस करेंगे एक साथ तो एक व्हीकल मास्टर की विंडो ओपन हो जाएगी। आपको मॉडल नेम में उसका मॉडल नेम डालना है, उसका डिस्क्रिप्शन डालना है, ग्रुप उसका डालना है जो है आपका जिससे रिलेटेड है वो आप ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका मैन्युफैक्चर ये सब कुछ डाल के आप सेव कर देंगे तो वो मॉडल क्रिएट हो जाएगा और आपको यहाँ पे आपके लिस्ट में शो हो जाएगा। उसके बाद है कलर। जिस कलर की गाड़ी है मैक्सिमम बना के देते हैं। अगर इसमें अवेलेबल नहीं है जो कलर आपका है तो आप यहाँ से सेम Ctrl+N करके न्यू कलर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो कलर है वो है ब्लैक। हम ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। की नंबर जो आपकी की का नंबर होता है वो की नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद सोर्स। सोर्स का मतलब यह है कि गाड़ी हमारे पास किस सोर्स के थ्रू आई है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया है या कोई आपने अपना कैंप चलाया है या फिर कोई भी आपने कैंपेन के थ्रू आपके पास गाड़ी आई है तो आप चाहते हैं कि उस कैंपेन या उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मेरे पास कितनी गाड़ी सर्विस के लिए आई है तो आप यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नहीं चाहे कोई इस तरीके का तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अभी मैं इसको ब्लैंक नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको कर दूंगा अदर्स। उसके बाद है सर्विस टाइप। सर्विस टाइप है यहाँ पे जो जनरल होती है वो अपनी होती है पेड सर्विस, वो हमने यहाँ पे बना रखी है और मैक्सिमम हमने यहाँ पे बना रखी है सर्विस टाइप। यहाँ पे आपको सर्विस टाइप क्रिएट नहीं करनी है क्योंकि मैक्सिमम सर्विस यहाँ पे बनी हुई है। आपको एक से ज़्यादा एक ही टाइप की सर्विस नहीं बना के रखनी है क्योंकि अगर आप अलग अलग बना देंगे तो ये प्रॉब्लम रहेगा रिपोर्टिंग में। तो आपको ये कभी Ctrl+N करके दूसरा सर्विस टाइप नहीं बनाना है। जो सर्विस टाइप पहले से बना हुआ है वो ही यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद है सर्विस नंबर। सर्विस नंबर ये होता है अगर आपकी फ्री सर्विस है तो कौन से नंबर की सर्विस है,
अगर फ्री सर्विस यहाँ पे होती तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता। अभी यहाँ पे सर्विस नंबर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी अपना मल्टी कार का मल्टी ब्रांड का शोरूम है, तो हमको यहाँ पे सर्विस टाइप की जब सर्विस नंबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फ्री सर्विस नहीं करते हैं। हमारे पास आफ्टर फ्री सर्विस ही कस्टमर आते हैं मैक्सिमम, तो हम यहाँ पे पेड सर्विस लेंगे। इसमें पेड सर्विस में फ्री सर्विस नंबर की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद है कूपन नंबर। कूपन नंबर सेम उसी के लिए ज़रूरत होती है, अगर फ्री सर्विस है तो कूपन नंबर की ज़रूरत होती है, तो अपन को यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो हम इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद है किलोमीटर, गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है, तो ये आपको यहाँ पे टाइप करना है, लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ छोड़ सकते हैं। फ्यूल, जब गाड़ी अपने पास आती है तो आप इसको चेक करते हैं कि कितना फ्यूल उसमें है, तो आप यहाँ पे उसको टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं डाल देता हूँ 1 लीटर, जब हमने चेक किया था तो 1 लीटर था, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 लीटर। उसके बाद मैकेनिक, कौन मैकेनिक गाड़ी का काम करने वाला है। जब गाड़ी आती है तो हम जॉब कार्ड बनाते टाइम उसका नाम जॉब कार्ड पर मेंशन करते हैं, वो नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जॉब कार्ड से। ये नाम आप फर्स्ट टाइम डाल सकते हैं, अगर चेंज होता है जब सर्विस पे जा रही है गाड़ी, हैंड ओवर हो रही है मैकेनिक को, तो वो आप वर्क लोकेशन से चेंज भी कर सकते हो। तो डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेम अगर यहाँ पे मैकेनिक जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो सेम आप यहाँ पे कंट्रोल एन करके वो मैकेनिक क्रिएट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहे, जब आप मैकेनिक क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन मैकेनिक ही होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। मैकेनिक यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन होगा मैकेनिक के लिए, आप यहाँ पे उसका शॉर्ट नेम, फुल नेम और मिडिल नेम जो अवेलेबल है आपके पास, वो आप टाइप करके सेव कर देंगे, यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। एग्जांपल के लिए मैंने आपको लिए ओपन किया था वो। सेम वर्क्स मैनेजर इसी की भी यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा अगर हमें बनाना है तो वही सेम कंट्रोल इन करेंगे, आप यहाँ पे जाके आप उसका नेम डाल देंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन में सेम आपको ध्यान रखना है, वर्क्स मैनेजर उसका डेजिग्नेशन होगा, वो ही आपको यहाँ पे रखना है। सेलिंग डीलर की हमें ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद गाड़ी में जो जो सामान होते हैं, हम जॉब कार्ड पे लिखते हैं कि गाड़ी के साथ क्या क्या है, मैट है, उसके ग्लास हैं या और भी अदर एसेसरीज है, जो कि हम उस पर गाड़ी में टिक करते हैं अपने पास, हम अपने जो उससे कस्टमर से जो रखी हैं अपने पास गाड़ी के साथ साथ क्या क्या अवेलेबल है, तो हम यहाँ से वो यहाँ पे टिक कर देंगे। जैसे कि बॉडी कवर है गाड़ी के साथ, ब्रूम है, ब्रश है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है जो गाड़ी के साथ अवेलेबल है, जैक है गाड़ी के साथ, तो जो जो आइटम गाड़ी के साथ अवेलेबल है यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा कोई आइटम नहीं है अवेलेबल इस लिस्ट में, तो हम यह ऐड पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से ऐड करके ये सेव कर देंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। उसके बाद व्हीकल सोल्ड ऑन, व्हीकल सोल्ड ऑन हम यहाँ पे आपसे पूछते हैं, ये इसलिए हम पूछते हैं कि नेक्स्ट सर्विस जब ड्यू होगी गाड़ी की, तो ये व्हीकल सोल्ड डेट के बेस पे ही आती है। व्हीकल सोल्ड डेट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें सेम डेट डाल सकते हैं जिस डेट को आपने जॉब कार्ड बनाया। इससे ये होगा कि आपने जो भी शेड्यूल सेट किया हुआ है सर्विस रिमाइंडर के लिए, उस शेड्यूल पे आपको रिमाइंडर जनरेट हो जाएंगे और आप कस्टमर को रिमाइंड करवा सकते हो। जैसे कि आज 13 तारीख है अप्रैल 2020 की, तो मैं यहाँ पे 13 अप्रैल 2020 ही टाइप कर दूंगा, तो नेक्स्ट शेड्यूल मान लीजिए हमारा 60 डेज़ का है, तो 60 डेज़ बाद अपना रिमाइंडर, उससे पहले 2 या 3 दिन पहले अपना रिमाइंडर आ जाएगा, जिससे कि हम कस्टमर को रिमाइंड करवा सकें। तो मैं सेम डेट डाल देता हूँ अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है तो वो सेम डेट आप डाल दीजिए जिस दिन जब से गाड़ी परचेज की थी। उसके बाद पार्टी का नाम, पार्टी का नाम यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम है अपने पास तो ऑटोमेटिक, जैसे ही हम व्हीकल नंबर या चेस नंबर डालेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर सेकंड टाइम आ रहा है तो, फर्स्ट टाइम आ रहा है इसलिए आपको यहाँ पे पार्टी नेम क्रिएट करना पड़ेगा। पार्टी नेम क्रिएट करने के लिए आपको वही कंट्रोल एन करना है, कंट्रोल एन करेंगे, लेज़र नेम में डाल देंगे,
मनीष एस शर्मा, व्हीकल पार्टीज उसका लेज़र ग्रुप रहेगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा जब भी हमारी पार्टीज आती हैं जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनके लिए लेज़र ग्रुप व्हीकल पार्टीज ही होता है, ये ध्यान रखना है आपको लेज़र ग्रुप का। उसके बाद है क्लाइंट कैटेगरी, क्लाइंट कैटेगरी का भी ध्यान आपको ज़रूर रखना है। इसमें क्लाइंट कैटेगरी जनरल रखनी है, मैक्सिमम अपने पास कस्टमर आते हैं जनरल। कैंटीन वाले अगर कस्टमर हैं तो कैंटीन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज जनरल ही अपने यहाँ से रखेंगे। जीएसटी डीलर टाइप, जीएसटी डीलर टाइप मैक्सिमम जो अपने पास सर्विस के लिए आते हैं वो रहते हैं अनरजिस्टर्ड, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है। रजिस्टर्ड डीलर भी आते हैं लेकिन वो कुछ एक ही रहते हैं। अगर जिसके पास किसी के पास जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रजिस्टर्ड डीलर, फिर उसका जीएसटी नंबर आपको टाइप करना रहेगा। अभी मैं यहाँ से रख कर रहा हूँ अनरजिस्टर्ड डीलर। नेक्स्ट पेज में जाते हैं, नेक्स्ट पेज में ओपन होता है उसका सिटी, कौन सी सिटी का है, कोलकाता का है, मैंने कोलकाता सेलेक्ट किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट वही आया हुआ है। अदर सिटी होता तो मैं यहाँ से अलग सिटी सेलेक्ट कर लेता, लेकिन मुझे कोलकाता सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कोलकाता ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर जो सिटी मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे अवेलेबल नहीं, तो सेम हम कंट्रोल एन करेंगे और यहाँ पे सिटी क्रिएट करके सेव कर देंगे। उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे हम, इसको यहाँ से सेव कर देंगे। ये लेज़र पार्टी क्रिएट हो गया है, पार्टी का लेज़र। डिफ़ॉल्ट जॉब डेट एंड टाइम सिस्टम से आता है, डिलीवरी डेट एंड टाइम आपको यहाँ पर डालना है। अगर इस सेम रखना है तो आप इसको छोड़ सा आगे बढ़ सकते हैं, सेम नहीं रखना है, जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ 5 बजे, तो मैंने इसको दे दिया 5 बजे का डिलीवरी टाइम। कस्टमर हो, इस गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है या क्या काम करवाना है कस्टमर हमें बताता है, तो हम यहाँ कस्टमर वॉइस में टाइप कर देते हैं। जैसे कि कस्टमर बोल रहा है ब्रेक प्रॉब्लम, ब्रेक की प्रॉब्लम है, या एवरेज की प्रॉब्लम है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, पेड सर्विस, तो मैंने यहाँ पे पेड सर्विस सेलेक्ट कर लिया है। उसके अलावा जो जो काम अपन सेलेक्ट करते हैं वो अब अगर पहले से पता है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट यहाँ पे हम पूछ रहे हैं पेड सर्विस का, अगर ये अपन ने मास्टर में डाला हुआ होता अमाउंट तो यहाँ ऑटोमेटिक वहाँ से आ जाता। ये मास्टर होता है फाइल में जॉब कोड लेबर, ये मास्टर होता है। यहाँ पे अगर पेड सर्विस की अमाउंट हमने डाली हुई होती, ये अमाउंट वाला जो आपको कॉलम दिख रहा है यहाँ पे, अगर अमाउंट डाली हुई होती तो वहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाती, लेकिन अभी हमने वहाँ पे कोई अमाउंट नहीं डाली हुई है इसलिए वहाँ पे ज़ीरो आया है। तो हम इसको, कोई बात नहीं, ज़ीरो आया है तो हम इसको यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं अभी भी, या फिर इसको आप अभी छोड़ सकते हो, जब इनवॉइस बनेगा तब आप इसको डाल के सेव कर सकते हो। तो अभी मैंने 500 रुपये डाल दिया है, मैं इसको एडिट भी कर सकूँगा इनवॉइस के टाइम पे। मैं डिफ़ॉल्ट 500 रुपये डाल के इसको सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा जॉब कार्ड बन गया है, मैंने सेव कर दिया है इसको, ये प्रिंट और प्रीव्यू हमारे सामने आ जाएगा इसका। उसके बाद है एस्टीमेट, अगर क्लाइंट हमसे इसका एस्टीमेट मांगता है तो हम इसको अगर हमसे क्लाइंट कस्टम
एस्टीमेट मांगता है, तो हम यहाँ पे एस्टीमेट पे क्लिक करके उसको उसका एस्टीमेट दे देंगे। यहाँ उसका जॉब नंबर टाइप कर देंगे, किस जॉब नंबर के लिए देना है, तो जॉब नंबर था अपना 391। एंटर किया, जो जो पार्ट्स हमें देना है एस्टीमेट में वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। इंजन ऑयल एक पीस, पार्ट नंबर है नेक्स्ट 411002040, जो कि सामने आ रहा है। नेक्स्ट है 3481-2-63B01, ये सामने आ रहा है। तो जो जो पार्ट हमें एस्टीमेट में देने हैं वो यहाँ पे अपन सेलेक्ट कर देंगे, वो सेव कर लेंगे। ये एस्टीमेट हमारे सामने ओपन हो जाएगा, इसमें सारी डिटेल आ जाएगी जो हमें देनी है। हमें इसको अगर पीडीएफ में देना है तो हम यहाँ से क्लिक करके इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, या इसका प्रिंट निकाल सकते हैं इस प्रिंट बटन पर क्लिक करके। ठीक है, तो ये था एस्टीमेट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, वो है वर्क अलोकेशन। वर्क अलोकेशन में ये है कि आप यहाँ पे जो मैकेनिक आपने दिया था जॉब कार्ड बनाते टाइम, वो मैकेनिक अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से मैकेनिक का नाम चेंज कर सकते हैं, या जो वर्क है वो वर्क किसी और को अलॉट करना है वो अलॉट भी कर सकते हैं। एक ही गाड़ी पे हमारे पास एक से ज़्यादा वर्क काम करते हैं मैकेनिक, तो यहाँ से हम उसको कर सकते हैं, या एक ही मैकेनिक रखते हैं तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को भी हटा सकते हैं। ये हमने सेटिंग दे रखी है कंट्रोल रूम में, अलाउ मल्टीपल वर्क अलोकेशन का हमने दे रखा है, रिक्वायर्ड वर्क अलोकेशन अलॉट रिक्वायर्ड वर्क अलोकेशन। ठीक है, ये वन मैकेनिक का है और ये इसको हटा देंगे तो डिफ़ॉल्ट वन मैकेनिक रहता है। अभी देखिए ये वन मैकेनिक आ जाता है डिफ़ॉल्ट, ये वन मैकेनिक आ गए। यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे तो अब यहाँ से टाइम स्टार्ट हो जाता है काम होने का, कि अब गाड़ी पे काम चालू हो चुका है। उसके बाद हम मेटल इशू, मेटल इशू स्टोर जब गाड़ी फ्लोर पे जाती है सर्विस के लिए, तो मैकेनिक हमसे स्टोर रूम से आइटम लेके जाता है, तो उस मैकेनिक को आइटम देने की हम यहाँ पे एंट्री करते हैं जॉब नंबर टाइप करके। जॉब नंबर डालेंगे हम अपना जो था 391, एंटर करेंगे, जो जो आइटम हमें देना है वो यहाँ से अपन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि था अपना आइटम 3481-2-63B01 एक आइटम, नेक्स्ट इंजन ऑयल था एक, इंजन ऑयल दूसरा है 09471-1-12004। तो ये तीन आइटम हमें देने हैं मैकेनिक को, तो ये दे के हम सेव कर देंगे। उसके बाद में मान लीजिए मैकेनिक फिर दोबारा अगर कोई आइटम लेने आता है तो वही सेम जॉब नंबर टाइप करेंगे, और जो लास्ट हमने दिए थे वो आइटम यहाँ पे आ जाते हैं। उसके अलावा और भी आइटम देना है आप यहाँ पे वो सेलेक्ट करके आइटम दे सकते हो। तो जैसे जैसे हम आइटम देते जाएंगे उसकी एंट्री यहाँ से हम करते जाएंगे। उसके बाद है आउटसाइड वर्क, अगर आप बाहर से कोई काम करवा रहे हैं तो आउटसाइड वर्क की यहाँ पर एंट्री करेंगे, अगर नहीं करवा रहे हैं इसको आप स्किप कर सकते हो। ये आपको इसलिए यूज़ में यूज़फुल है कि आप चाहते हैं कि आपने बाहर से कितना काम करवाया, आप उसको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं कि आप बाहर से कितना काम करवाते हैं, या
जो आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है उस बेस पे वही काम से अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो वही काम आप अपने आवाज़ पे शुरू कर सकते हैं। तो आपका इससे क्या है कि बिज़नेस ग्रोथ होता है। तो आप इसको आउटसाइड वर्क को भी आप यहाँ पे अलग से अगर करवा रहे हो तो आप इसकी एंट्री ज़रूर करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आउटसाइड वर्क में आपने क्या काम करवाया है, कहाँ से काम करवाया है, वो यहाँ पे अपन सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने एचएम ट्रेडर्स से काम करवाता हूँ तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा एचएम ट्रेडर्स। अगर यहाँ पे पहले से बना हुआ नहीं है तो सेम आपको मैंने बता रखा है कि कंट्रोल एन करके आप वो मास्टर के कर सकते हो। यहाँ पे बस जो हमारा जिसे हम काम करवा रहे हैं उसका ध्यान रखना है कि उसका लेज़र ग्रुप रहता है सप्लायर, जो कि डिफ़ॉल्ट आता है, बस आपको ध्यान भी रखना है कि वो क्या रहेगा। उसके बाद में सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो इनवॉइस हमारे रिसीव हुआ है, जो काम हमने करवाया है उसका इनवॉइस का नंबर जो है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। किस डेट को इनवॉइस आया था हमारे पास वो डेट हम डाल देंगे, आज ही हमने काम करवाया और आज हमें इनवॉइस दे दिया था उन्होंने। जॉब नंबर डालेंगे हम 391। वर्क क्या करवाया था हमने, जैसे कि हमने करवाया था वेल्डिंग, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया वेल्डिंग चार्जेस। अमाउंट दिया था मैंने 400 रुपीज़, वो हम पहले जो अमाउंट दे के आ रहे हैं वो यहाँ हम आपके डाल देंगे। इसमें हमने कंट्रोल रूम में सेटिंग भी दे रखी है कि आउटसाइड वर्क पे जितना मार्जिन आपको लेना है वो सेट कर दें, वो उसमें प्लस करके आपको दिखा देगा। तो ये मैंने सेव कर दिया है आउटसाइड वर्क। उसके बाद है जॉब क्लोज। जॉब क्लोज में ये होगा कि जैसे कि हमने स्टार्ट किया था वर्क का लोकेशन से, वर्क का लोकेशन से आपका टाइम कैलकुलेट हो गया है, चालू हो गया है स्टार्टिंग गाड़ी काम होने का। अब जॉब क्लोज से वो ऐसा होगा कि जब आप गाड़ी फिनिश हो जाती है, काम फिनिश हो जाता है, तो आप यहाँ पे जॉब क्लोज जैसे करेंगे तो आपका वर्क कितना वर्क लगा है उस गाड़ी को रिपेयर करने में, कितना टाइम लगा है उस गाड़ी को रिपेयर करने में, वो टाइम कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जॉब नंबर टाइप करूँगा 391, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा डेट, जॉब डेट एंड टाइम। इसमें एक और भी फैसिलिटी हमने दे रखी है, सेंड एसएमएस, सेंड एसएमएस आफ्टर सेव। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा एक मैसेज क्लाइंट के पास चला जाएगा कि आपकी गाड़ी रेडी हो गई, आप इसको रिसीव कर लें। ये मैंने सेव कर दिया है, ये एसएमएस जो कि हमारे पास अगर अवेलेबल है एसएमएस फैसिलिटी, जैसे कि इसके लिए आपको अलग से रिचार्ज करना पड़ेगा, तो आपने अगर रिचार्ज करवा रखा है आप देख रहे हैं बैलेंस एसएमएस बैलेंस क्रेडिट, तो आप यहां से उसको मैसेज भेज सकते हो सेंड एसएमएस पे क्लिक करके। उसके बाद आपके पास बनता है इनवॉइस पे आते हैं हम, अपन इनवॉइस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे इनवॉइस दो टाइप के होते हैं अपने पास, सेल टाइप आपने सबसे पहले दिख रहा है, सेल टाइप एक काउंटर, दूसरा जॉब कार्ड। तो मैं अभी आपको जॉब कार्ड से बना रहा हूँ सब दिखा रहा हूँ सारा। तो आप जॉब कार्ड पे डिफ़ॉल्ट क्लिक का आता है। उसके बाद एक कैश में देना, पेमेंट कैसे होगा, कैश में होगा, क्रेडिट में होगा या कार्ड से होगा, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ कैश। जॉब डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक आता है, मैं जॉब नंबर टाइप करूँगा 3। जो जो जॉब नंबर हमारे पास पेंडिंग है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमें दिखा देता है, बस आपको सेलेक्ट करना है 391। ये मैंने टाइप करके एंटर किया, तो जो जो मैंने काम किए हैं, जो जो मेटल इशू किया है, वो सारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आ जाता है। आपको अगर किसी में चेंज करना है, किसी की एमआरपी में, तो आप यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हो अगर आपने कंट्रोल रूम से उसको ऑन किया हुआ है। तो एमआरपी एडिटेबल का हमने ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल रूम में, अगर आपने उस ऑप्शन को टिक किया हुआ है तो आप यहाँ पे उसको एडिट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सारे सिक्योरिटी जो रहती है ये एडमिन के पास रहती है, एडमिन अगर अलाउ करता है अपने यूज़र को तो वो कई काम कर पाता है, अदरवाइज़ नहीं कर पाता है। तो आप एडमिन का पासवर्ड या आईडी बना के रखें जो कि अपने यूज़र के लिए आप दे सकते हैं, क्या क्या राइट्स देना है वो हमने आप सिक्योरिटी सिस्टम में दे रखा है, इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा, तो उसमें भी आप उसको सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छे से देख सकते हैं और उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं।
नेक्स्ट ये सारे पार्ट्स यहाँ पे आ गए हैं। इसके अलावा और भी कोई पार्ट ऐड हुआ है या लेबर ऐड हुई है तो मैं यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक पार्ट ऐड हुआ था लास्ट में, जो कि जॉब कार्ड पे नहीं पता एंट्री नहीं की थी मेटल इशू के टाइम पे, वो बाद में हमने इशू कर दिया था, तो मैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वो पार्ट था और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरा इनवॉइस बन गया है और मैंने सेव कर दिया है इसको। ये है हमारा इनवॉइस। ये अभी हमने हीरो का लोगो लगा रखा है, ये कस्टमर की डिमांड थी इसलिए लगा रखा है। इस ये हट जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लोगो आप अपने हिसाब से हमसे लगवा सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ लगवा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसमें अभी हमने जो लोगो लगा रखा है वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग नीचे लगा रखा है, अदरवाइज़ इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक दो तीन फॉर्मेट और भी हैं, वो फॉर्मेट में भी हम आपको दिखा देंगे अगर आप कहेंगे तो। तो ये आपका इनवॉइस हो जाएगा, लास्ट में रहता है थैंक्स। अगर आप क्लाइंट को थैंक्स का मैसेज देना चाहते हैं या उसको लेटर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके आप उसको थैंक्स मैसेज या लेटर भेज सकते हैं। जैसे कि हमारा जॉब नंबर था 391, नहीं नहीं इनवॉइस नंबर से आता है ये, एक मिनट में इनवॉइस नंबर चेक कर देता हूँ क्या था। इनवॉइस नंबर था 427, 427। तो ये था उसका इनवॉइस नंबर 427। मैं इस पर क्लिक करके SMS पे क्लिक करूँगा तो इनके पास थैंक्स का SMS चला जाएगा। तो ये था दोस्तों आपके लिए वर्कशॉप की पूरी ट्रेनिंग थी सेल्स पार्ट की। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वर्कशॉप का परचेज पार्ट। तो आप मेरे ख्याल से अच्छे से ट्रेनिंग आपकी हो गई होगी। अगर कोई भी आपको इशू है या प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो नीचे नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है आप इस पर कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग या सॉफ्टवेयर लेना है या किसी को रेफरेंस देना है तो आप मेरे नीचे जो दिया हुआ नंबर है इस नंबर पे कॉल करके आप इस पर बता सकते हैं। धन्यवाद।